हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आप देख रहे होगे हम क्या कर रहे हैं, हम काट रहे हैं सब्जियों को। वो क्यों? क्योंकि आज हमारी मम्मी रसोई से हाथ खड़े कर चुकी हैं कि अब हमको अपना पेट खुद भरना पड़ेगा। तो देखिए आज हम कितने शाही तरीके से अपना पेट भरते हैं। अच्छा, आप बना क्या रहे हो वैसे? गाजर? ये सस्पेंस है, गैस करो गाइस। अगर आपको पता पड़ गया है तो आप कमेंट में जाके डालो और लिखो कि क्या बन रहा है। सोयाबीन और ये है चावल। सस्पेंस खराब कर देते ने। तो गाइस चलो मैं दिखाई बताई देता हूँ आपको, क्योंकि कैमरामैन ने आपको दिखा दिया चावल बन रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं हम कितने अच्छे चावल बनाते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी तो रसोई से हाथ खड़े कर चुकी हैं। और चावल नहीं, हम बना रहे हैं वेज पुलाव। हम कर रहे हैं फ्राइड राइस। वेज पुलाव फ्राइड राइस है। अच्छा, व्हाटएवर। तो देखिए ये कट रही है गाजर, ये हम काट चुके हैं गोभी, ये शिमला मिर्च है, ये दोनों टमाटर है, ये टमाटर नहीं टमाटर, हाँ ये प्याज है, ये सोयाबीन है, और वहाँ लहसुन और अदरक पकाए जा रहे हैं, देख सकते हो आप। तो चलिए अब कार्रवाई शुरू करते हैं। तो पहले इनको काट लेते हैं। तो इतना आप इनको काटने का टाइम स्लैप देखिए ना, हम ना देख रहे, बोरिंग होता बहुत टाइम स्लैप। चलो तो गाइस शिमला मिर्च मेरे काटनी नहीं आती है, और मैं अपने कैमरामैन से कटवा रहा हूँ शिमला मिर्च। तो देखिए शिमला मिर्च का टाइम स्लैप। अपना बनाओ खाओ, अपना बनाओ खाओ। तो हम भेरे, रुक जाओ। तो गाइस अब सोयाबीन को भेजते हैं। तो सब्जी तो कट चुकी है, देखिए सारी, और अब इनको और भिगो देते हैं। तो अब अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं, इसमें इनको छेद के कूट के पीट के। तो गाइस पहले इनको छेद कूट के इनका लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें गाजर में थोड़ी कमी है, तो हम इसमें एक और गाजर डाल रहे हैं, और आलू भी भूल गए थे हम, और आलू भी काट रहे हैं, इनको धो लेते हैं। तो ये चूल्हा तो निकाल लिया है, और अब लाते हैं कढ़ाई को। तो कीर्ति भी आ चुकी है, हमने कीर्ति से स्वीट्स कॉर्न मंगवाए थे, मक्के के दाने। तो देखते वो लाई नहीं लाई, लाई है। वेल डन, वेल डन। तो स्वीट्स कॉर्न तो आ चुके हैं, अब इनको भी उबालते हैं। अब इनको माइक्रोवेव में बॉइल्ड कर लेते हैं। पहले इसमें पानी डालते हैं, आइए। तो अब इनको रखते हैं बॉइल्ड करने। देखिए गाइस हमारे ओवन में क्या दबका हुआ है। गुड डे। तो इनको करते हैं, रखने से पहले जला लेते हैं इसको लाइटर से। कैमरामैन जोशी के साथ, कैमरामैन नेहा चौधरी के साथ हर्ष खुटेला। तो सिलेंडर को आग लगी हूँ। कैमरामैन ज्यादा मत बोल, मतलब कैमरामैन की कोई इज्जत ही ना है। This
शुरू लग रहा था। नहीं तो देखिए तो भाई हमने सब कुछ डाल दिया, प्याज व्याज लहसुन का पेस्ट सब कुछ भून चुका है। अब ये प्याज और शिमला मिर्च डाली है, नहीं वो टमाटर और शिमला मिर्च, तो इनको पका लेते हैं। तो गाइस इसमें अब हमने आलू और गाजर और गोभी भी डाल दिया है, अब इनको भूनने देते हैं ढंग से। तो गाइस मसाले भी डाल दिए इसमें, और देखिए और आप डालते हैं इसमें ये सोयाबीन। ये पता नहीं कैमरामैन कहाँ चले गया था, वरना मैं आपको मसाले वसाले डालते सब दिखाता। तो गैस को कर देते हैं बिल्कुल कम, और अब इसको ढक देते हैं ताकि ये जो आलू और जो इसमें सब्जियां सारी वो अच्छी तरह बन जाए। तो इसको ढके रहने देते हैं बिल्कुल कम होके, और उनको देखते हैं वो हुए नहीं हुए ये मक्के के दाने। ओह माय गॉड, ये बहुत गर्म है, देखे चेक करके तो दादा चिमटे से कौन देखता है। नहीं कसा डाल थोड़ी, दो मिनट और चलाते हैं, एक मिनट बहुत होगा। तो गाइस आइए चावलों को भी देख लेते हैं, ये भी हो रहे हैं, इनको होने देते हैं। तो मिलते हैं चावल आपको उनको सब्जियों पकने के बाद, मक्का के दाने को बनने के बाद, और चावल उबलने के बाद मिलते हैं आपको। तो गाइस आप डालते हैं मक्के, क्योंकि ये तो हो चुके हैं, उनको तैयार डाल। अब इनको मिक्स करते हैं, पामन बजा दियो, खुशबू तो बड़ी अच्छी है। जो हमारे हाथ से कुछ चीज बनेगी तो ऐसा ही होगा। वीडियो का बगार दियो, कल बन जाना है। तुम किसके लिए रोटी बना रही हो? किसके लिए? अपने लिए। क्यों आप चावल नहीं खाओगे? चावल नहीं खाओगे आप? खा लेंगे बाद में, भूख लगेगी। देने के लिए बन रही है। अच्छा देने को तो बन गई, तुम भी हो गए। अब इसमें डाल लेते हैं मेयोनीज टेस्ट के लिए। और इसमें लियोनी घी भी डाल लेते हैं, जिसको इंग्लिश में बटर कहते हैं। ये काफी टाइट हो रहा है ठंड की वजह से। चावल हो चुके हैं रेडी, देखिए आप कितनी अच्छी अच्छी भाप उठ रही है इसमें से। तो अब इनको डालते हैं उसमें। किसमें? पहले चावल में से पानी तो निकाल, निकल रहा है भी निकलने दे। अब डाल रहे हैं इसमें चावल, तो इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस देखिए बन चुके हैं एकदम बढ़िया चावल, देखिए अब इनको टेस्ट करते हैं। आइए पहले इनमें थोड़ा घी डाल लेते हैं ताकि और अच्छा टेस्ट आए। तो देखिए गाइस पहले इसमें सॉस भी डाल लेते हैं ताकि अच्छा टेस्ट आए। वीडियो बन रही, खिला देते हैं थोड़ी। तो अब इसमें घी भी डाल लेते हैं। खलता ही नहीं है, ये तो बड़ा बेशरम घी है। खलता ही नहीं है, थोड़ी सी घी डाल। अरे उंगली से कर ले गाइस, मैंने इतने ही लिए हैं। हाँ जा फिर मुंह में टेस्ट करते हैं। बस कीर्ति क्या है, नजर लगाएगी। सच बताओ रियली में बहुत ही टेस्टी है। तो आज हमारी मम्मी रसोई में से हाथ खड़े कर दिए थे, पर मम्मी को क्या पता था हम इतना अच्छा शाही खाने से अपना पेट भरेंगे। तो आज आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जल्दी मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, बाय।